समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की रविवार को तबीयत बिगड़ गई, लिहाजा उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मुलायम सिंह यादव कई दिनों से मेदांता में भर्ती हैं। उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें वहीं के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जिस पे डॉक्टरों का कहना है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। तो वहीं सीएम योगी ने फ़ोन कर मुलायम सिंह यादव का हाल पूछा। साथ ही पीएम मोदी ने भी मुलायम सिंह की तबीयत को लेकर अखिलेश यादव से बात की। कि सपा संरक्षक को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है और 24 घंटे उनके लिए बेहद अहम है। उनकी स्थिति को लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट के जरिए बताया कि नेताजी की तबीयत फिलहाल स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं नेताजी को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। अस्पताल के बाहर काफ़ी भीड़ जमा है और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता नेताजी को देखने एक एक करके अंदर जा रहे हैं। तो वहीं पूरा देश उनकी बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहा है।